बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत समाजत ऐसी अव्वलीन तरजीह वाली बातें हैं कि अगर हम इनको लोकेलिटी वाइज देखें तो मैं समझती हूँ कि समाजत एक ऐसा फ़न है जिसके साथ साथ सियासत भी मंसलिक है, और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इंसान की पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देते हैं। आज हम मौजूद हैं ठिमका नाफरिया में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो सामाजिक और सियासी होने के साथ साथ नवाब जदगान के बहुत करीबी साथी भी रहे हैं, और साथ ही साथ आपका सियासी करियर जो है पिछले 25 साल से मसलसल आप आनवर्ड चेयरमैन बनते रहे हैं। आपने अपनी बाकायदा आगाज़ जो है 82 से किया, और बहुत अच्छे तरीके से हमेशा बला मुकाबला आपने इलेक्शन विन किया। मेरी मुराद चौधरी फतेह शेर गुजर साहब हैं जो सबका चेयरमैन भी रहे हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से, और अब वो काफ लीग के से मंसलिक हैं क्योंकि उन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी दुआओं ठीक ठाक। चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि गाँव के लोगों का पेशा चूँकि ज़रात होता है, पेशा ज़रात से मंसलिक होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने पेशे को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने बकायदा इलेक्शन का आगाज़ कब से किया? जी 82 तो जो पहला इलेक्शन लड़िया ना। जी एक नाल ना मैं तुम्हें दसता जा। जी मैं किसे MPA किसे MNA दे को टिकट शिकट लिया, इलेक्शन नहीं मिला किसी भी पार्टी दे नाल। मैं अपना आजाद इलेक्शन लड़ता रहा, लेकिन रहा मैं नवाब जादा पार्टी नाल शुरू तो। सही। उन्होंने मेरे नाल भी बेहद प्यार किया, मैं उन्होंने नाल प्यार करता रहा। इस साल वो चाहे सहन लाई मेरे मगर ज्यों लगे वो फिर दोबारा बगातार आमना शुरू कर दिता। अच्छा। मैं फिर उन्होंने अगे हाँ कर ली, मैं ठीक है मैं थोड़े नाल। सही। अच्छा जी सर, मुझे ये बताइए कि आपके वैसे चौधरी बरादरान या नवाबजदगान को मैं ज़्यादा यूँ कहूँगी कि नवाबजदा फैमिली के साथ आपका तल्लक था, तो आपने इलेक्शन फिर भी आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, इसकी क्या वजूहत हैं? ये मेरा अपना चाल चलन आई। जी मैं सहान नहीं सी चुकना चाहता किसी का भी मैं उन्होंने थले ला के इलेक्शन लड़ा। सही। मैं दुनिया के काम ज्यों मैं इस धंधे वड़िया चिद्रा साढ़ी अगे ही शुरू तो आमदी थी खानदानी, तो ज्यों मैं इस काम के वड़िया ना तो दुनिया के मैं काम किए ने, तो लोगों ने मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया। रात दिन जे मैं रात नूं भी कोई बंदा जगाउण आ गया ना तो मैं उठ के उहदे नाल टुर गया। मैं नहीं मैं आख्या भी सुबह चलां दे जां सुबह होवे जी ते वेखां दे, उस वेले मैं नाल गया। सही। ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल जिहड़े भी काम गया वो काम भी मेरा होया। माशाअल्लाह। मैं अपनी चेयरमैनी दे विच बड़ी मशहूरी कीती, किधरे भी जाके मेरा नाम तुसीं लो दे ते लोग मैं अच्छा लफजा ना जान। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो सर, मुझे ये बताइए कि नंबरदार फैमिली से आपका तल्लक है, आपके बड़े भाई जो हैं वो नंबरदार रहे हैं, तो उनके बाद आपने आपके अंदर ये सियासत का वलवला या सियासत का शौक इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो एक वलवला होता है ये कैसे पैदा हुआ? ये मेरी बिरादरी जी है ना गुजर बिरादरी। जी ये इकट्ठे होकर सारे मेरे को आए, इन्हें मैंने आख्या इलेक्शन लड़ो तो असं थोड़ा लड़ा करा इलेक्शन, तुम मेहरबानी करो तो तुम साढ़े वडेरे हो, अगे प्यो दादे भी तुम हो तो हूँ भी तुम हो। फिर उन्होंने जिद न मैं इस पास पसंद किया, जवाब उन्होंने ना दिता, फिर जहाँ मैं वो चलिया उन्होंने भी इज्जत वधदी रही मेरी भी वधदी। माशाल्लाह। अच्छा जो सर, मुझे ये बताइए कि अपनी चेयरमैनशिप के अंदर आप जब चेयरमैन रहे हैं, आपने आगाज़ जो है वो 82 से किया है इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो आपने इस पूरे ड्यूरेशन में ये जितना भी वक्त गुजरा है आपने अपने इलाके में कौन कौन से फलाही काम किए हैं? सब तो पहला तो मैं बिजली लवाई अपने सारे पिंड सारी यूनियन काउंसिल फिर अपने पिंड मैं कॉलेज बनवाया एक टेक्निकल कॉलेज जिहड़ा इस वेले खोखे ते चलदा है पिया जिहदे विच बड़े लोग आउंदे ने, एक किला जमीन दे के
ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਤਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਡਲ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੋ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਬਈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਉ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੰਦਾ ਥਾ ਆਪ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਸਫ, ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ ਥੇ ਔਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਅਭੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਘੋੜੋਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ? ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਕੇ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਆ ਆਪਨੇ, ਉਨਮੇ ਸੇ ਕੁਛ ਖੇਲ ਜੀਤੇ ਆਪਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਸ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਪਾਈਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਜੋ ਸਭ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਕੋ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਠਿਮਕਾ ਨਫਰੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇਤੀ ਹੂੰ, ਅਬ ਤੋ ਚਲੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡੂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਣੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ। ਤੋ ਜੋਸਫ, ਜਬ ਸੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ PMLQ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਆ ਗਏ ਹੈਂ ਯਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਆਪਨੇ ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕਾਮ ਕਰਵਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਸੜਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਮੂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਅਜੇ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਆ ਥਾ? ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰ ਏ ਨਾਫਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੜ ਲਿਆ। ਆਪਕੋ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਾ ਯਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਖੜਨਾ ਇਹ ਪਰ ਦੁਆੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਗਾਂ ਨਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜਿਆ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਛੱਪੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਛੱਡ। ਜੀਤ ਨਾਸਰੀ ਨੀਏ ਚੌਧਰੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੋ ਮਨਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤੋਂ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕੋ, ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕੋ
सामने रखते हुए हमेशा खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया अपनी ज़ात से और आज़ादाना इलेक्शन का इंतखाब किया। अब मैं आपकी मुलाकात चौधरी आदल शेर गुज्जर साहब से करवाती हूँ जो चौधरी साहब के बेटे भी हैं और डेरे को जो है लीड करते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी डेरेदारी की गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदल शेर गुज्जर साहब और इनके वालिद जो हैं उनकी बहुत अच्छी और पॉजिटिव राय है अपने बेटे के बारे में और उनका ये कहना है कि वो मौजूद हूँ या ना हूँ उनका बेटा डेरे को और आने वाले तमाम लोगों को बहुत अच्छे से लीड करता है, बहुत अच्छे से लोगों को वेलकम करता है और समाजी सियासी मामलात को भी देखता है और साथ ही साथ खिदमत खल्क का भी शौक़ है। तो आइए नाज़रीन आपसे मुलाकात करवाती हूँ मैं चौधरी आदल की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बड़े एहसान हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि बच्चे माशाल्लाह से और भी हैं, आपके भाई माशाल्लाह से चार हैं आपके अलावा, आपके अंदर डेरेदारी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? पहले तो बात यह है कि मैं पहले इतने डेरे से मौजूद होता सा तो भरिया वगैरह चाहता मुकदियाँ सन तो वाल साहब दल्ला सुन के ना तो मतलब शौक पैदा हो गया तो जड़िया गल करते सन बहुत अच्छा से फैसले भी अच्छे करते सन तो लोग भी अबू जी ने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस वजह ना कि मन शौक पैदा डेरेदारी का शौक पैदा हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपके वालिद एक अच्छे चेयरमैन रहे हैं और माशाल्लाह से एक बेदाग उन्होंने सियासी पीरियड गुजारा है, इस तरह से एक अच्छे वालिद भी हैं? जी बहुत अच्छे माशाल्लाह से। अच्छा आने वाले जितने भी मामलात होते हैं किसी तरह के भी अगर हूँ मामलात कोई लड़ाई झगड़ा कोई केस किसी किस्म का कोई सिचुएशन हो तो उनके मामलात ज़्यादातर जो है खुद हल करते हैं या कोशिश करते हैं कि ये मामलात जो हैं थाना कचहरी तक जाएं? पहले किड़े अबू जी के दौर रहे ने ना वो तो इतने किड़े ने पंचायत वगैरह किड़े ने खुद मकाते सन, अगर थाने कचहरी चले भी जाते सन ना तो अबू जी किड़े ने ना एक चौकीदार होना सी पहला ना तो अगर थानेदार कुछ वगैरह आ भी गया तो वो उदे तक जान नहीं सी देंदे, कहते सन कि मैं चौकीदार नू भेजना अपने उस घर नू वो इतने भेजता है तो फिर तुम इतने किड़े ना सारा मामला मेरे सामने मुकने अपने बंदे नू थाने तक नहीं जान देंगे सन। बहुत ही अच्छा किड़ा ना उन्हों का मिशन से वो दौर अच्छा सी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल यह भी किड़ा ना मेरा मिशन भी है कि जो मेरे वालिद साहब ने मिशन किड़ा किया है ना उस मिशन से मैं चला दूसरा के थाने कचहरियाँ तक कुछ मामला ना जान साढ़े डेरे से मुकरन इंशाल्लाह सही। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि NA 68 के हवाले से अगर चौधरी हुसैन लाई साहब की बात की जाए तो आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली है तो आप हुसैन लाई साहब को किस एंगल से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक परफेक्ट MNA हैं और माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं? वो किड़े ने ना एक यंग ने बहुत अच्छे लीडर हैं किड़े यंग ने बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद करते हैं और एक नो बहुत अच्छे रवैये न किड़े ने पेश आने सब इस वजह नाली फसल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अगर बात की जाए यूथ की या यंग जनरेशन की तो आपको पता ही है यंग जनरेशन जो है हमारे माशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, आप यूथ को कोई मशवरा देंगे काम के हवाले से या वैसे एक्टिविटीज़ के हवाले से कि उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को किस तरह से लोहा मनवाने के लिए कौन से काम करने चाहिए? उन्होंने अच्छे अच्छे काम ही करने चाहिए कि गाँव वास्ते लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए अच्छे काम होने चाहिए ने किसी के मसलन काम से दखल नहीं देना चाहिए किसी को भी तो यह किड़े ने लड़ाई झगड़े करने मसलन के कोई किसी को कहता है कि तू चल भाई मैं भी तेरे नाल इस तरह के काम नहीं इन्हें सुलह सफाई ना काम करने चाहिए ने अच्छे तो गाँव में किड़ा ना अच्छे तरीके अमन सुकून ना रहना दे पसंद करना चाहिए सारा कुछ इस काम अच्छा है सही 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 बिल्कुल अमन और सुकून के साथ रहने का काम और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में स्पोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या गेम्स खेलते हैं, जैसे कि आपके बाबा जो हैं वो नेज़ाबाज रहे हैं तो आपने कभी नेज़ाबाजी की है और साथ ही साथ आप यंग जनरेशन के लिए आपके इलाके में आपकी UC में कोई ऐसी जगह है जहाँ वो स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ को कर सकें? बच्चे खेलते हैं गेंद बला तवज्जो देनी चाहिए उन्होंने एक ग्राउंड बना के देना चाहिए अच्छे काम करने चाहिए। सही तो आप नेज़ाबाजी करते हैं? नहीं मैं नहीं करता। अच्छा आपने नेज़ाबाजी जैसे आपके वालिद को शौक था इस तरह आपने नहीं आपने की नहीं है नेज़ाबाजी? सही
जी तो नाज़रीन, चौधरी आदम शेर गुजर साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने बड़ों से कुछ सीखें, ये सबसे बड़ा अमल होता है। तो बड़ों से सीखें भी तो पॉजिटिव चीज़ें सीखें ताकि उनको आगे लेकर चलें, और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने वालिद से हिदमत खल्क का जज्बा सीखा और साथ ही साथ देरेदारी सीखी, जिसमें तमाम आने वाले लोगों को वेलकम करना, साथ साथ उनको हर हवाले से जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके हवाले से उनको बात सुनना, उसका हल करना, डेरेदारी करना, और साथ ही साथ अपने कारोबार से मंसलिक रहना, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ उन्होंने यूथ को जो मशवरा दिया कि हमेशा अपने गांव में अमन और सुकून पैदा करना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे मैटर्स नहीं फैलाने चाहिए जिनकी वजह से घर का या गांव का या इलाके का माहौल जो है वो ख़राब हो। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज्जम नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तियाब, 25 साल वारंटी और बाद हजार 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।